मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी माफियाओं के हौसलों में कमी नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां एक महिला डॉक्टर ने बिल्डर पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। राजधानी भोपाल में अवैध निर्माण को लेकर डॉक्टर मांडवी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने अपने अस्पताल बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। बिल्डर्स ने फर्जी तरीके से कॉलोनी काट कर वो जमीन लोगों को बेच दी है। डॉक्टर मांडवी ने बताया कि उन्होंने SDM नगर निगम में शिकायत की, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्डर द्वारा उसी जगह पर निर्माण किया जा रहा है जो कि अवैध है। हालांकि SDM ने मामले में स्टे लगा दिया है। इसके बाद भी बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शासकीय आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और कॉलोनी काटी जा रही है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। मैं टीकमगढ़ में हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं भोपाल शिफ्ट होना चाह रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कुछ ज़मीन खरीदी। परंतु कुछ बिल्डर हैं, रामदास साहू, अनुज साहू, अंतेश शर्मा के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैंने जो ज़मीन खरीदी वो 20 एकड़ की ज़मीन कोकता बाईपास पर है और पटवारी हल्का नंबर 20 हुजूर में आती है। वहाँ पर जो ज़मीन है उसका नक्स अक्स पर बटान नहीं है। वैसे 36/1, 36/2, 36/3 का बटान है, लेकिन जो अक्स पे बटान ना होने के कारण उनके पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वो जो 36/2 में है। ये रजिस्ट्री 36/2 से करते हैं और पजेशन 36/1 और 3 में दे रहे हैं। इनके पास ज़मीन मात्र 5 एकड़ है, लेकिन इनने जो लिस्ट दी है, ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, उसमें कम से कम 450 लोगों को पजेशन के लिए बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है और 200 लोगों की रजिस्ट्री कर रखी है। नॉर्मली जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग एरिया होता है। इन्होंने वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। पूरी की पूरी 44,000 स्क्वायर फीट में 44,000 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री पूरी की पूरी कर दी है और पजेशन 1 और 3 में दिए जा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, उन 450 लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, जो पैसा गाड़ी मतलब अपने दिन भर की कमाई उन लोगों को दे रहे हैं। रामदास साहू के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, देर सवेरे जेल जाएगा, लेकिन उन 450 लोगों को जिनके पैसे लगे हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। वो मैंने 25 शिकायतें हैं, पूरा बंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है। मंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है। कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कब्जा वो मेरी जमीन पे दिलाता जा रहा है और उन लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, हमें जमीन मिल रही है, हमें क्या लेना देना, क्योंकि उसमें बटान नहीं है। जिस दिन बटान हो जाएगा, मैंने नवम्बर से बटान का केस लगा रखा है, बटान देर सवेर होगा ही, क्योंकि बटान मैंडेटरी है। मेरी 11.25 एकड़ जमीन है भाई। बटान का प्रोसीजर है जिसमें आप 1,800-1,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट का बटान नहीं होता, लेकिन 11.25 एकड़ जमीन का बटान होता है। बटान होगा तो फिर इन जिनको जमीन खरीदी गई वो मेरे सामने खड़े होंगे कि भाई मैं उनसे कहूँगी आप हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो कहेंगे हमें तो रजिस्ट्री 36/2 से हुई है। और उनमें से कुछ समझदार लोग ये जान रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, फौजरी हो गई है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि उन्हें पता है रामदास जेल चला जाएगा, इनका पैसा इन्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने बिल्डर को पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी जमीन खरीदी हुई है भाई। जमीन के साथ मेरे साथ इनके साथ एक ही जमीन है जो 3 एकड़ की है, जो फर्म के नाम पर है। उसमें मैंने जो उनको है मतलब जो मालिक है, जमीन का मालिक था, उनको 1,40,00,000 रुपए दे के दोनों ने ज्वाइंट वेंचर में 3 एकड़ जमीन खरीदी है और 8 एकड़ 16 डेसिमल जमीन मेरी खुद के नाम पर है और मेरी इंडिविजुअल जमीन है। इसमें फर्म का कोई या पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। और हमारे द्वारा जो जमीन खरीदी गई है 11.25 एकड़, उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। वहां जाके इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेन दे रखी है, जिसपे जांच चल रही है। जांच में हमें बोला गया मैडम ये सिविल का मैटर है। भाई मेरे फर्जी दस्तखत करके अगर कोई मेरी रजिस्ट्री कराता है तो वो सिविल का मैटर कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ के बाहर है। SDM को दिया,
जो मंत्री हैं उनको भी आवेदन दिया, उन सब ने ये जांच की कि ये अवैध कॉलोनी है, लेकिन हमारे शिवराज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आज भी नहीं चल रहा है। गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया, अपने सीएम सर को ज्ञापन दिया, मैंने ऊर्जा मंत्री को, क्योंकि वहाँ अवैध बिजली का कनेक्शन चल रहा है, अवैध कॉलोनी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, मैंने उस लेवल तक भी गई हूँ। तो वहाँ पर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी जमीन पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भाई मेरी जमीन पे मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप आके बुलडोजर चलाइए ना, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन बुलडोजर वहाँ पे चल जाएगा ना 400 कंप्लेनेंट मिलेंगे, क्योंकि भाई उनको तो गलत पोजीशन दिया जा रहा है। अगर मेरे इसकी कार्यवाही, वैसे मुझे, मैंने अभी कल मैं कलेक्टर सर से मिली हूँ, मेरा मेन प्रॉब्लम है बटान हो जाए, बटान के लिए मैं कल कलेक्टर सर से मिली हूँ, उन्होंने मैं जितनी बार भी कलेक्टर सर से मिली हूँ उनने मतलब SDM सर या उन लोगों को तत्काल फोन लगाया है, लेकिन फिर भी वो इतना स्लो प्रोसीजर में काम चल रहा है जब तक पूरी कॉलोनी बस जाएगी। एक बजे पहुँचती है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ की मैंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन बना रखी है कि मेरे मरने के बाद ये लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। ये तीन लोग तो स्पेशली मेन विक्टिम्स हैं, अंतेश शर्मा, रामदास साहू, अनुज साहू, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ लोग एजेंट के तौर पर भी काम किया है, जिसमें रोहित शर्मा, संजय मुदगल, मेरे द्वारा जो पैसे दिए गए हैं, अभी और भी बहुत सारे इसमें जो एजेंट लोग हैं जिनने पैसे खाए हैं इस जमीन में। हम चाहते हैं कि 60-70 करोड़ का पूरी इनकी स्टेटमेंट का चेक हो, किस किसने पैसे खाए हैं, जिसने पैसे खाए हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो, और इसको अभी नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा किसी का एक नहीं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।